अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत ही अहम चीज़ के बारे में, जो आजकल हमारे दरमियान किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। और वो क्या है, आप सबको भी शायद पता चल गया हो, वो है ज़बान। ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से आप किसी को अपना बना भी सकते हो, और वो ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से जितने भी आपके अपने हैं वो अपने आप से रूठ जाते हैं, रिश्तेदार पराए हो जाते हैं। ज़बान एक ऐसी चीज़ है, इसी ज़बान की वजह से रिश्तेदार पराए हो जाते हैं, अपने रूठ जाते हैं, मियां बीवी का घर नहीं बसता, घर उजड़ जाता है इसी ज़बान की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज से इरशाद फरमाया कि ऐ माज, क्या मैं तुम्हें पूरा दीन का खुलासा ना बता दूं जिसके अंदर पूरा दीन समाता हो? तो हज़रत माज़ ने फरमाया, बेशक या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान की तरफ इशारा किया और फरमाया कि ये ज़ुबान है, जिसके काबू में ये ज़ुबान है तो पूरा दीन उसके काबू में है, यानी वो पूरा दीन के अंदर है, और जिसके ज़ुबान काबू में नहीं है तो वो उसके हाथों से चीज़ निकलती जाएगी, उसके हाथों से शय निकलती जाएगी और उसको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए बर्दाश्त करना सीखो। जब सुबह कोई इंसान उठता है तो जिस्म के जितने भी आज़ा है वो सारे पना मांगते हैं ज़ुबान से। ज़ुबान से सारे आज़ा यूँ कहते हैं कि ज़ुबान, आज तू पूरा दिन सही सलामत चलना, अच्छा अच्छा बोलना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इसलिए कि अगर तू लड़ाई झगड़ा करती है, करने के बाद तू तो हिफाजत गाह में बैठ जाती है, छुप जाती है, तुझे कुछ नहीं होता, और उसके बाद जो मारपीट होती है, जो लड़ाई हंगामा होता है, वो सब कुछ हमें सहना पड़ता है। इसलिए सुबह उठते ही जिस्म के सारे आज़ा अपनी ज़ुबान से पना मांगते हैं। और मैं एक आपको और अच्छी चीज़ बताऊं, इस ज़ुबान के अंदर, इस ज़ुबान में इतना जहर है कि अगर सारे दुनिया के, पूरी दुनिया के काले सांपों का जहर इकट्ठा करूँ तो भी वो इतना शदीद नहीं जितना इस ज़ुबान के अंदर का जहर शदीद है। और सारी दुनिया के शहद के ज़खीरे इकट्ठा करूं तो अल्लाह की कसम उनमें इतना मिठास नहीं जितना इस ज़ुबान के अंदर मिठास है। तो अल्लाह के वास्ते अपने बोल को पॉजिटिव करिए, अपने बोली के अंदर मिठास पैदा करिए, भाई बहन के लिए, बहन भाई के लिए, औलाद माँ बाप के लिए, माँ बाप औलाद के लिए, बीवी शोहर के लिए, शोहर बीवी के लिए, पड़ोसी पड़ोसी के लिए, छोटा बड़े के लिए, बड़ा छोटे के लिए, अपने बोल को पॉजिटिव करिए, अपने ज़ुबान के अंदर मिठास भरिए। अल्लाह की कसम, इंसान तो इंसान, जानवर भी आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, जानवर भी आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। सारा खेल ज़ुबान का ही है। अगर ज़ुबान सही सलामत है, किसी के ज़ुबान के अंदर मिठास है, वो अपने बोल को पॉजिटिव रखता है, तो लोग उसके क़ुरब आते हैं, उससे करीब हो जाते हैं, उसकी बातें सुनते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर यही ज़ुबान किसी की कड़वी है, वो अच्छा नहीं बोलता, लोगों से लड़ाई झगड़ा करता है, तो लोग उससे रूठ जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपनी बोली को मीठा बना लें, हम अपने बोल को पॉजिटिव बना लें, दूसरों के लिए अपने दिल में मोहब्बत पैदा करें, और हम बर्दाश्त का मादा पैदा करें। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने अपने खिलाफ़ बोल दिया, तो हम अपने ज़ुबान पर ताला लगा लें, चुप्पी लगा लें, तो इंशाअल्लाह जानवर भी आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। इंसान तो इंसान, जानवर भी मोहब्बत करने लगेंगे।